भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले, अपार उत्साह है, बस चंद मिनटों की देरी है। प्रधानमंत्री क्या मैं भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज भोपाल की धरती पर पधार रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे। देश भर के 10 लाख बूथों पर 3000 चयनित कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये हम सबके लिए, मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात। लेकिन बूथ जीता चुनाव जीता, ये आपका नारा भी रहा। प्रधानमंत्री जी का मंत्र है और इस मंत्र पर मेरा बूथ सबसे मजबूत बने 2023 और 24 में चुनाव में तो इतिहास बनता ही है। देश के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को देश पहले, इसके लिए सशक्त और ताकतवर बनने की जरूरत है। वो लगातार इस अभियान में जुटे हैं, आज मध्य प्रदेश पधार रहे हैं और मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में सभी देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। लेकिन बूथ के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो टीम है, संगठन है, सबसे मजबूत है, इसीलिए मध्य प्रदेश को चुना। मध्य प्रदेश में डिजिटली एनरोल सर्वाधिक कार्यकर्ता, लगभग 40 लाख के करीब कार्यकर्ता आज डिजिटली इनरोल हुए हैं, जो इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, स्वागत की तैयारियों में जुटे। जोश आई है? जोश नहीं, जोश के साथ और जोश है। तो अब की बार 200 पार। चलिए अब की बार 200 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आ रहे होंगे थोड़ी देर में, तो फिर आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जो कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार हम करने वाले। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल।